नमस्कार दर्शकों, एचडी में आपका स्वागत है। चुनावी बेला में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो आज हम आए हैं ग्राम पंचायत लमलू में, जहां से बांका राम शर्मा जी जो हैं वो प्रधान पद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है और प्रसार प्रचार के दौरान उनका लोगों का कैसा समर्थन उन्हें मिल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हमें बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है। मेरा चुनाव चिन्ह है हैंडपम्प। आप जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत भारी समर्थन मिल रहा है लोगों का, पूरा पूरा समर्थन दे रहे हैं लोग। मान रहे हैं कि आपने पहले भी समाज सेवा की है, डिपू दिया है गांव ठंडकी जटवाड़ के लिए, जो डुगड़ी स्टोर में होता था, खड्ड में होता था, तो वो भी आपके प्रयासों द्वारा आपने यहाँ पर जो लोगों को राहत दी। और जबकि इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं था, वो खुद ही हमने खुद मैंने और कुछ गांव के लोगों के सहयोग से करके बिल्डिंग तैयार की जहां हम खड़े हैं। और इसका ओपनिंग भी मैंने किया था डिपो का। दो गांव के लोगों ने मेरे को बोला कि आपने लाए तो आप ओपनिंग भी आप करेंगे। और इससे पहले जैसे यहाँ से जटवाड़ पंचायत, ये जो गांव है वो किसी और पंचायत में ऐसे मिला दिया था, कुछ ऐसे सुनने में आया था पीछे जैसे। हाँ, ये जो हमारा पहले से शुरू से हमारी पंचायत जो है वो लमड़ू है 50 साल से। तो अभी जो पंचायत का विभाजन हुआ तो अभी हमने ये जो पहले डिपो था ये भी खड्ड में था, डुगली खड्ड में जहाँ, तो वहाँ से गांव के सहयोग से और मेरी कमेटी के सहयोग से, तो उन प्रयासों से करके हमने 8-9 महीने वो हमारा चलता रहा। वो आना नहीं देते थे, हम लाना चाहते थे लोगों के लिए जानित में। तो फिर वो तो आ गया डुगली से यहाँ। अभी जब अभी विभाजन होना था तो उन्होंने फिर हमारे गांव को खड़ से पार डाल दिया डिबरेडे में। तो हमारे गांव के लोग वहां जाना आना जाने के लिए बड़ी असुविधा है। और जो लमड़ू है हमारा नज़दीक है, वहां वहां हमारा बैंक वहां है, पटवारखाना वहां है, तहसील वहां खुल रही है, बाजार हमारा वो, तो हम पहले लमड़ू जाते फिर वहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाते, तो लोगों से अन्याय हो रहा था। तो मैंने इसकी लड़ाई, मैं प्रधान हूँ सुधार सभा का गांव जडवाड़ से, तो मैंने इसका ज्ञापन डी साहब को दिया और मैंने बोला जनाब हम धरना देंगे अगर हमारे लोगों की सरकार सुविधा दे रही है और हमारी सुविधा खो रहे हैं हमारे लोगों की। तो मेरे साथ पूरे गांव ठंडकी और जडवाड़ ने साथ दिया और उसका नोटिफिकेशन रद्द हुआ और हमें लमड़ू पंचायत में ही रहने दिया गया। हम सरकार का धन्यवादी हूँ मैं और मेरे लोग भी कि इन्होंने हमारी बात मानी और जिन लोगों ने शरारती तत्वों ने हमारे गांव को डाला था वो फेल हुए। सर, आप जैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो लोग जो हैं क्या समस्याएं, कुछ तो समस्याएं होंगी जैसे लोग बताते हैं, तो क्या समस्याएं जो हैं आपके समक्ष रख रहे हैं वो? मेरे पास मैंने सभी गांव का दौरा किया तो मेरे को पूरा समर्थन मिला, सभी लोगों ने समर्थन दिया और माताएं बहनों ने समर्थन दिया, क्योंकि आप उन्होंने बोला कि आप समाज की सेवा करते हैं, करते आए, पहले भी की आगे भी करेंगे। तो मैंने देखा कि कुछ गांव में रास्तों की बात है, रास्ते बहुत खराब हैं, बीच में ठंडकरी जैसे ठंडकरी गांव है, तो गांव के बीच में मैंने देखा जब मैं उस गांव में गया नीचे तो वहां नालियां डाली हुई हैं और वहां रास्ते में लोगों को आने जाने के लिए असुविधा है। तो मेरे से बात की उन्होंने, उनको मैंने बोला जब मैं प्रधान बनूंगा तो सबसे पहले ठंडकरी गाँव की जो नालियाँ हैं और जो रास्ता खराब है गांव के बीचों बीच, तो उसको बजट देंगे और उसको पहले उसको ठीक करेंगे। और लोगों को दूसरी समस्या पानी की है तो उसका भी मैं एक पानी का जो टैंक है गांव जटवाड़ में बनाएंगे और उसका पानी जो है दो गांव को पूरा हो जाएगा, जो कमी है पूरी हो जाएगी। उसको पूरा प्रयास करेंगे कि पानी के लिए और जो रास्ता बीच में स्पेशल मैंने देखा तो वो सबसे पहले करूँगा गाँव। अच्छा सर, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता ये है कि जैसे मैं पहले समाज सेवा करता हूँ वैसा ही करूँगा, करता रहूँगा। अब प्रधान बनूंगा तब तो करूँगा, नहीं था तब भी की मैंने लोगों की, यहाँ मरने जीने तक हम सभी के साथ सहयोग करते हैं। और उसी वजह से उन लोगों ने मेरे को प्रधान पद के लिए खड़ा किया, जबकि मैं नहीं चाहता था कि मैं खड़ा हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं जब आपने पहले किया बिना पद से, डिपो लाए, गांव बचाया और दूसरे कई काम किए ऐसे समाज सेवा के, तो उस वजह से उन्होंने खड़ा किया। अब मुझे लोग सहयोग दे रहे हैं, मेरे को बनाने जा रहे हैं, मैं 19 तारीख को बन रहा हूँ
और इनकी दूसरे प्रधानों की कोई ताकत नहीं है मेरे को रोकने की। मेरे को पता है मेरे को जनता जिताएगी, भारी बहुमत से जीतूंगा मैं, क्योंकि काम के वोट हैं। अगर मैंने कुछ पहले काम किया लोग मेरे को वोट देंगे, कोई नहीं रोक सकता है। और मैं प्रधान बनने के बाद एक तो न्याय दूंगा लोगों को, किसी के साथ अनजस्ट ना हो। कोई भी फैसला करना है तो किसी के साथ, मैं क्योंकि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हूँ और इतने जो झगड़े फैल रहे हैं उनको मौके में निपटारा कर दूंगा। कोई पटवारी कानूनों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद इस डिपार्टमेंट से 38 साल नौकरी करके रिटायर हूँ और पेपर दे के उन लोगों का मौके में निपटारा कर दूंगा जितने झगड़े फैले हैं। कोई गाँव में दो दो पार्टियों के हो जाते हैं, झगड़ा छोटा होता है बड़ा बना देते हैं, तो उसको भी हम मौके में निपटा दिया करेंगे। और जैसे मेरे को लोगों ने सहयोग दे रहे हैं तो नेचुरली मैं जो इनको सबको न्याय देना, मेरे को कोई ये नहीं होगा कि ये भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। और इसी वजह से मेरे को लोगों ने खड़ा किया है, न्याय दूंगा मैं सबको। और जो पानी की समस्या ठनकरी में जटवाड़ में भी है, हमारे ऊपर बस्ती है, ऐसी बस्ती है जटवाड़ में मग्याण बोलते हैं, वहाँ भी पानी नहीं जाता है। उनको पानी सरकार द्वारा ऐसी बस्ती को लैंड डाली गई थी, लेकिन वहाँ तक पहुँची नहीं, वो रास्ते में रह गई कहीं। तो वो लोग मेरे से मांग कर रहे हैं कि प्रधान बनने के बाद ये हमारे को पानी दिलाना ऐसी बस्ती में गया। तो उनका मैंने समस्या देखी, जैसे मैंने लंबड़ू में गया तो लंबड़ू में पूरा सहयोग है, खनेऊ में मेरे को पूरा सहयोग दिया लोगों ने कि आप बन रहे हैं हमारी ये काम है, सबके नोट किए और सबके अपने पास दर्ज कर लिया किसकी क्या समस्या है। तो जब मैं बन जाऊंगा तो पहले तो जिन लोगों ने समस्या बताई उसको सॉल्व करूंगा, जैसे कैसे भी होगा। तो लंबड़ू गुराड़ से जो जो गांव है तो मेरे को सबसे समर्थन है, उन्होंने बोला कि आप काम करते हैं, आपने पहले करके दिखाया सबको मीडिया के जरिए, उन्होंने पढ़ा है अखबारों में पढ़ा है, आपके चैनल द्वारा आप सुना है उन्होंने कैसे बोलते हैं कैसे लड़ाई लड़ते हैं। जबकि इन लोगों की खातर तो यह मेरा कि ठीक ही उतरूंगा, जब लोग मनाएंगे तो उसके और भी अच्छा उतरने की कोशिश करूंगा। तो आप वोटर्स के, वोटर्स जो हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी पंचायत के वोटरों से अपील करूंगा, और कर भी दिया मैंने, घर जा जाकर कर दी है, और कि अगर आपने मेरे को जताओ वोट दो मेरे को और मैं आपको सबको इंसाफ दूंगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होना दूंगा। जितने भी लोग हैं और सबकी मांग वो पूरी, जैसे लोगों को पेंशन है, कई लोगों को मैंने पेंशनें लगवा दी हैं, उनका हेल्प करके लगवा दी है। तो अभी कई लोग बीच में बचे हैं उनको नहीं लगी है, वो बूढ़े हैं कोई कैसे हैं, तो उनको भी मैं बोले बनेंगे तो आपका भी समाधान किया जाएगा, सबको जो एलिजिबल होगा पर्सन उसको लगेगी तो वो सबको लगाई जाएगी। और जैसे बीपीएल का चक्कर है कि बीपीएल में लोग जो आना चाहिए लोग एलिजिबल हैं वो बीच में नहीं है, अभी भी मैं देख रहा हूँ लिस्ट में उनके नाम नहीं है जो उनको हक मिलना चाहिए, जो गरीब बैठे हैं कई लोग उनको नाम डालना चाहिए उनका नाम नहीं है, तो उनको भी न्याय दूंगा और सबको डालूंगा जिनका हक बनता है उनको मिलेगा। और इसके साथ जितने भी ये रास्ते ख़राब हैं, जैसे मैंने ठनकरी का उदाहरण दिया या पानी का दिया, तो मैंने नोट कर लिया, मेरे पहले भी नॉलेज में, अब मैंने दौरा किया गांव बीच तो उससे देखा कि ठनकरी गांव में पाइप इतनी डली हैं और वहां चलने को रास्ता नहीं है, ऊपर से जा रहे हैं, कोई गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो मैं सबसे पहले ठनकरी गाँव का जो पाइपों का काम है उसको कराऊँगा और उसको उठाऊँगा उधर से, और पानी की जो समस्या है वहाँ रास्ता भी टाइल लगा के बनाया जाएगा गाँव के बीच में, वो अच्छा भी लगेगा। ये जो हमारा डिपू है अभी मैं प्रधान बन रहा हूँ, बन चुका हूँ, लोग देंगे मेरे को समर्थन दे रहे हैं, बनूंगा जब डिक्लेयर होऊंगा तो उसके बाद एक मेरी होगी कि हमारे जो गांव है दो ठनकरी और जटवाड़, तो ये अभी तो डिपू मिला है मैं राशन का डिपू, तो इसको मैं सोसाइटी क्रिएट कराऊंगा। हमारे साथ गाँव बरनोट में है वो भी हमारे साथ मिलना चाहते हैं, बेचारे बोलते हैं हमारे को मिल लो, तो हमारे ठनकरी जटवाड़ और बरनोट को जोड़ के हम इसको सोसाइटी बनाएंगे। हमारे पास जगह भी है सब कुछ है, लेकिन खड्ड में हम सोसाइटी में नहीं जाएंगे। अभी वो जो पुरानी सोसाइटी थी हमारी वो डुगली डिबरेडा के लिए हम छोड़ देंगे उनके लिए, और अपना साफ करके इधर नया कमरे बनाएंगे और नया सोसाइटी क्रिएट करेंगे
और डिपार्टमेंट से सोसाइटी मंजूर कराएंगे। तो सर ये जो जो वोटिंग है वो कहाँ पे होगी और कितनी तारीख को होगी? वोटिंग हमारी 19 तारीख को है। इसके बूथ हैं, एक तो ठंडकरी जटवाड़ का बूथ है हमारे गांव में ही, जटवाड़ में प्राइमरी स्कूल में, और इसके साथ जो नीचे खनेऊ, घुराड़ और लंबड़ू, तो उनका जो बूथ लगेंगे तो लगेंगे लंबड़ू में। अभी हमारी पंचायत में 7 वार्ड हैं, तो 7 जगह ही वोट पड़ेगा नेचुरली। जो वार्ड पंच खड़े हैं उनके भी डब्बे वहाँ ही वोट डलेगा अलग अलग से। तो ये 2 जगह पोलिंग होगी और हमारी जो काउंटिंग है वो भी 19 तारीख को ही लंबड़ू में पंचायत घर में होगी। तो अभी सारे लोग जो है 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हम भी खुश हैं, हम मैदान में खुशी में उतरे हैं, क्योंकि लोगों ने समर्थन दिया और लोगों ने खड़ा किया, हमने ही लोगों के पहले काम किए हैं। तो अब लोग भी बोल रहे हैं, जो जिन्होंने पहले काम किया लोग बोल रहे हैं, ये तो बोले जो दूसरे कैंडिडेट है वो भी अच्छे हो गए बेचारे, अच्छे हैं, हम क्यों उनको बुरा बोलें। लेकिन वो बोल रहे हैं, कि हम काम करेंगे। आपने काम करके दिखा दिया, पहले कई चीज़ें दिखा दी हैं गाँव में, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि आप खड़े हो। आपका तो पहले देख लिया, टेस्ट कर लिया, उनका टेस्ट होना भी। तो ये थे ग्राम पंचायत लंबड़ू के प्रधान पद के उम्मीदवार बांकाराम शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि लोगों की जो भी रास्ते पानी की समस्या है उनको प्राथमिकता के तौर पर ये उनका समाधान करेंगे, और जैसे लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, पंचायत स्तर पर ही उनका समाधान करेंगे। तो ये थे ग्राम पंचायत लंबड़ू से प्रधान पद के उम्मीदवार बांकाराम शर्मा जी।